दिन तो इस टाइम हम मौजूद हैं खैरपुर टाउन वाली के चोरिस्तान वाली इलाके में। तो हमारे साथ मौजूद हैं अला निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सर आप अपने फार्म के बारे में कुछ मालूम देंगे हमें? जी हमने ये ना फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ब्लैक सीड जो है 50 एकड़ पे मुश्तमिल था हमारा खेत, और बहुत अच्छा मकसान है हमारा इस ज़मीन में। पाकिस्तान की रिस्पॉन्स है, हर तरह की हर्बल फसलें, सुपर फूड फसलें, सप्लीमेंट जो होते हैं, चिया है, किनवा है, हर्बल टी है हमारी, वो सारी हमारे पास वो भी मौजूद है। ये इधर लगाया हुआ था तो, और अलसी है, ब्लैक सीड जिसको बोला जाता है, और आर्गेनिक है। इसमें हम कोई खाद नहीं डालते, हमारे घर में भी जो हम घर में खाते हैं उसमें भी खाते हैं। जी मुझे खवंजी के बारे में बताएंगे कि आपने इसको मतलब इसकी कितनी एकड़ काश की है? इसके 50 एकड़ हमने काश किए फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो 1 एकड़ पे कितना खर्चा आता है? तकरीबन इसमें 25-30 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है। और औसत क्या दे रही है? औसत इसमें इस साल तो आएगी 6-7 मन की तकरीबन। सही। वैसे जब इसको एक प्रॉपर तरीके से हम करेंगे तो फिर 15-16-14-12 मन तक आ जाएगा। तो नाज़रीन ये देखें कि कलवंजी जिसमें हर बीमारी की शफा है, तो ये हमारे खैरपुर टामे वाली में पहली दफ़ा काश्त हुई है। 50 एकड़ काश्त हुआ है। लाहौर से हैं आप? लाहौर है हमारी। तो ये बेसिकली वैसे लाहौर से हैं एडी साहब, तो ये इन्होंने यहाँ पे आके जिम्मेदार किया और काश्त की है कलवंजी की काश्त, जो हमारे इलाके में फर्स्ट टाइम काश्त हुई है और अच्छी औसत आ रही है और बेहतरीन काश्त कर रही है। इसके अलावा आप और कौन कौन सी चीज़ें काश्त करते हैं और क्या क्या तजर्बाकार है आपको फार्मिंग में? जी हाँ, मैं काटन की जो हमारी फसल होती है ना, पाकिस्तान में सोना चांदी इसको बोला जाता है। सही। तो हम इसके ऊपर सीड जो है एडवांस अयूब रिसर्च फैसलाबाद से, पाकिस्तान सेंट्रल काटन इंस्टीट्यूट कम्युनिटी जो है मुल्तान वहाँ से। सही। और CCR मुल्तान से और IUB से हमारा रबता है। सही। इन इदारों से हम किसी कंपनी से सीड नहीं लेते, बकायदा डॉक्टरों से लेते हैं और एडवांस सीड लेते हैं, जो 4-5 साल हम उसको अपने खेतों में काश्त करते हैं और फार्मरों को सारे सीड देते हैं। सही। होगा तो अच्छी पैदावार होगी हमारी। काटन की पिछले साल जो 4 वेराइटियाँ थी, 38 मन औसत आई थी, 5वें महीने में काश्त किया, तो इस साल इस और भी बेहतर आएगी। ये मैंने काश्त किया हुआ है, इंशाल्लाह हमारा टारगेट 60 मन तक का है इस साल। सही। बनाए जाते हैं हमारे हर्बोगैनिक कंपनी है, हमारा एज ए डायरेक्टर हूँ मैं हर्बोगैनिक कंपनी में। एंटरप्रेन्योरशिप हासिल की ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, डॉक्टर शहजाद बसरा साहब एग्रोनॉमी के साइंसलिस्ट हैं, उन्हीं का मैं शागिर्द हूँ। 6-7 साल मैंने यूनिवर्सिटी में गुजारे, और उसके बाद एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पाकिस्तान से मेरा बहुत कुछ सीखा मैंने। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो बाहर से हमारी गंदम आती है, हमारी दालें आती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो वो हम इंशाल्लाह 1200 अरब नहीं लगाएंगे, हमें शायद 100 अरब ही दे दिया जाए तो हम ये मुकाबला कर सकते हैं कि पाकिस्तान में बाहर से नहीं चीज़ें आएंगी। 1200 अरब रुपया लगा के हुकूमत बाहर से चीज़ें मंगाती है, ज़रात में 1200 अरब लगाती है, तो वो मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ लोगों में बट जाता है, उसका कोई हल नहीं निकलता। तो हम चाहते हैं ये अगर मसाइल है इम्पोर्टेड हुकूमत जो अब इस वक्त अमेरिका की वजह से आई हुई है, इसकी वजह से पहले भी किसान को 20 साल जो 2 दहाइयाँ थी ना, इंतहाई ख़राब कारकर्दगी थी इन लोगों की जो हुकूमत कर रहे थे। सही। तो उन्होंने किसान को बाहर के चक्कर में डाल दिया, भाई बाहर से चीज़ें आए इधर से ना करें। सही। तो हमारा मिशन है कि हम पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की ज़रात है तो अच्छी माशियत है, हम 60% हमारे लोग ज़रात पे मुंसलिक हैं, तो हम इसके प्रोडक्ट बना के फैक्ट्री लाहौर है हर्बोगैनिक के नाम पे, तो जर्मन में और USA में और ममालिक में ये जाते हैं हम। तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा काश्त हुई और इसका हमने हनी भी तैयार किया है। सही। ब्लैक सीड हनी पाकिस्तान में पहली बार हमारा ब्रांड बना है। उसके बाद ये हमारे ड्राइवर हैं, ये हार्वेस्टर गुजरा वाले से दोस्त आए, 2 दिन लगा के ये पहली दफ़ा ऐसा सेटअप बनाया है कि कलवंजी को निकाला गया है। सही। तो नाज़रीन यहाँ पे सोलर टूल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सोलर पे है सर। तो इसके साथ मतलब आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे सरसों है, गंदम है हमारी, तो कलवंजी है। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत सारी चीज़ें इनके मतलब है। कद्दू शरीफ एडी साहब आप ये बताएं कि जो
छोटे किस्म के लोग मतलब ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं होते रकबा काश्त करने के लिए, आप उन लोगों को क्या काश्त करने के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सारे किसानों को मेरा ये पैगाम है, छोटे तो बड़े तो वैसे ही करते हैं ना वो काम, छोटों को भी करना चाहिए कि हम हर बंदा किसान जो है, चाहे वो हिस्सेदार है चाहे वो मुस्तादरी पे लेके कर रहा, मैं भी इधर ठेके पे लेके कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले कि अपनी सब्जियां जो किसान 6 महीने के घर के लिए बगैर खाद स्प्रे के नहीं ना तैयार कर सकता, वो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दे। सबसे पहला मिशन है कि वो 5 मरले हर किसान सब्जी तैयार करे, खुद भी खाए और जिन लोगों की ज़मीनें नहीं हैं वो भी खाए, मतलब आपके कहने का मकसद है ये और अच्छे सीड इस्तेमाल करें, अच्छी खुराक बिना खुराक वाली देसी सब्जी, ऑर्गेनिक चीज़ें, हाँ जी हाँ जी, हम वो यूज़ करते हैं इधर और मेडिसिन से बहुत दूर है, उससे तो सेहत को भी फायदा पहुँचता है जी जी। हम हमारी गंदम माशाल्लाह 28 मान निकली है, 4.5 कराल थी बगैर खा सकते माशाल्लाह। के अंदर चोरिस्तान के अंदर यहाँ पे ना बिजली वगैरह तो है नहीं, और बिजली अगर होती तो फिर तो फायदा था, लेकिन बिजली नहीं है, ये सोलर सिस्टम के कारण इन्होंने क्या हुआ है, तो हम पूछते हैं साहब से कि सोलर सिस्टम में कितना खर्चा आया और कैसे इंतजाम चल रहा है, एक साहब बताएंगे कि कितना खर्चा आया सर आपने? ये जो है ना हफ्ता मार्च ये दिखाएंगे और ये 6 इंच का फिगर है और 450 और ये लालगंज 22 लाख रुपए में इस वक्त 1 लाख रुपया काम लगाया, 22 लाख का खर्चा आता है, मतलब आप सोचते हैं फूल लाना है, फूल लाना है सारा वो करेंगे उधर 35 से 40 लाख। रेडी साहब का कहना है कि ये जो सोलर सिस्टम 22 लाख का ट्यूबवेल का सिस्टम ऐड, इसका बोर वगैरह ऐड करेंगे तो ये आपका तकरीबन 35 लाख तक खर्चा हुआ है, और ये खर्चा एक दफ़ा ही होता है, उसके बाद ये चलता रहता है, ये लॉन्ग लाइफ खर्चा है, चलता रहा। तो एक आप ये दिखाई दे रहा कि रिहायश देखिए यहाँ पे रोहित के तरीके क्या थे, एक सोलर सिस्टम देसी माहौल क्या रिहायश बनी हुई है, तो हाँ जी वो ये स्टोर भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे इनका मतलब आपने रहन सहन का निज़ाम भी बेहतरीन किया हुआ है और टूल वगैरह का डाक्टरानी का बेहतरीन निज़ाम है, तो इसी के साथ हम एडी साहब इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफिज़।